हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रियंका शर्मा, अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। आई प्रैक्टिस एट कोलाजन क्लिनिक्स जयपुर। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो नीडलिंग के बारे में। आपने कई बार कई लोगों से आजकल इस प्रोसीजर के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा स्किन का प्रोसीजर होता है जिसमें नीडल्स काम में ली जाती हैं। वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे डर्मा रोलर होता है या डर्मा पेन डिवाइसेज होती हैं। वो नीडल्स धीरे धीरे आपकी स्किन में पैनेट्रेट करती हैं। जब वो स्किन में पैनेट्रेट करती हैं तो आपकी स्किन में माइक्रो इंजरीज होती हैं। माइक्रो इंजरीज होने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन में कोलाजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी स्किन के अंदर यूथफुल अपीयरेंस आती है। आपकी काफ़ी जो स्किन कंसर्न्स हैं वो कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ने से ठीक हो जाती हैं। तो माइक्रो नीडलिंग कहाँ काम में ली जाती है? यूजली माइक्रो नीडलिंग जो है वो एक्ने स्कार्स यानी माइल्ड जो आपके गड्ढे रह जाते हैं पिंपल्स के, उनको ट्रीट करने के काम में ली जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को फाइन लाइंस या रिंकल्स हैं वो माइक्रो नीडलिंग करा सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा स्किन का जो टेक्सचर है वो प्रॉपर नहीं है, जिनके पोर्स ज़्यादा ओपन हैं और एक मिलाजमा यानी झाइयाँ हैं, उसमें भी माइक्रो नीडलिंग का काफ़ी अच्छा रोल है। एट होम माइक्रो नीडलिंग, आजकल लोग घर पे भी माइक्रो नीडलिंग बहुत कर रहे हैं। तो जब आप घर पे माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, अपनी जो डिवाइस है उसको प्रॉपरली सैनिटाइज्ड वे में रखें। कभी भी अपनी डिवाइस को किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपने डिवाइस को सैनिटाइज नहीं रखा या शेयर किया तो आपको वॉर्ट, स्मॉलस्कम और अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ओवर यूज़ से बचना है। कई लोग माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस को बहुत ही ज़्यादा प्रेस करके यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हैं, उससे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती है। तो माइक्रो नीडलिंग का इफेक्ट आने में कितना समय लगता है? यूजुअली जब आप 4 to 6 सिटिंग्स के अंदर जाते हैं 1 month की इंटरवल के ऊपर, तो आपको माइक्रो नीडलिंग के अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि वो लंबे समय तक लास्ट करे और आपका कोलेजन प्रोडक्शन बनता ही रहे, तो आपको ईयरली भी अपने जो माइक्रो नीडलिंग सिटिंग्स हैं उनको प्लान करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे कोलेजन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, तो हमें बार बार कोलेजन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करना पड़ता है। सो माइक्रो नीडलिंग के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? जनरली माइक्रो नीडलिंग का एज सच कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन पोस्ट प्रोसीजर इमीडिएटली आपको हल्का सा रेडनेस फील हो सकता है, जो कि जिनकी स्किन लाइट कलर की है उनको ज़्यादा फील होता है। डार्क स्किन वालों को ज़्यादा रेडनेस फील नहीं होती है। वो रेडनेस भी ठीक होने में कुछ डेज और कुछ वीक्स के अंदर वो रेडनेस चले जाती है। उसके लिए आपको बस कोल्ड कंप्रेसेस करने होते हैं। माइक्रो नीडलिंग के बाद में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको एटलीस्ट 24 to 48 hours तक मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो स्किन को ज़्यादा पेनेट्रेट करके इरिटेट कर सकते हैं। पोस्ट माइक्रो नीडलिंग आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप अच्छे से कोल्ड कंप्रेसेस करें, प्रॉपर सन प्रोटेक्शन करें। आपकी अगर डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको कोई हीलिंग क्रीम दी है तो उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम अप्लाई करें, जिससे कि वो हीलिंग और फास्ट हो जाएगी। ज़्यादातर माइक्रो नीडलिंग का जो एक मेजर साइड इफेक्ट होता है वो इन्फेक्शन होता है, यानी पोस्ट माइक्रो नीडलिंग इन्फेक्शन। वो तब होता है जब जो माइक्रो नीडलिंग है वो अनसैनिटाइज सिचुएशन में की गई है। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से ये माइक्रो नीडलिंग करवा रहे हैं तो ये होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट के कुछ वेरिएंट्स भी हैं। जैसे आजकल माइक्रो नीडलिंग को PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के साथ में कॉम्बाइन करके किया जाता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा अच्छा होता है, जो आपके एक्ने स्कार्स हैं स्पेसिफिकली वो और अच्छे से फेड होते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेज है। उसमें माइक्रो नीडलिंग के साथ साथ में हीट थेरेपी भी जाती है। तो उससे फ़ायदा होता है कि जब हीट जनरेट होती है उन नीडल्स के पॉइंट पे, तो कोलेजन प्रोडक्शन अंदर से और भी बेहतर होता है। तो जो सुपरफिशियल एक्ने स्कार्स होते हैं उनके अंदर माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसीज के वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, और उनका कोई डाउन टाइम भी नहीं होता है और साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं। तो जो लोग लेजर्स में नहीं जाना चाहते वो माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस से अपने एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। किन लोगों को माइक्रो नीडलिंग नहीं करवानी चाहिए? तो जो लोग सीवियर एक्ने से सफ़र कर रहे हैं, या जिनको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या उनको किसी भी तरीके का स्किन इन्फेक्शन है उन लोगों को, या जिनकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उन लोगों को माइक्रो नीडलिंग करवाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो उनकी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर सकती है। और अगर आप लोग जयपुर से हैं तो आप हमारा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक कोलाजन क्लिनिक के नाम से जयपुर के अंदर है, और यहाँ पे हम आपको डर्मेटोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप स्किन या स्किन से रिलेटेड प्रोसीजर्स के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं, उनकी जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और आप कमेंट्स करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ की जानकारी चाहिए तो।